नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल अजय क्लासेस में। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी और इसी तरह अपनी स्टडी को तैयार रखिए, क्योंकि जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म होने वाला आपके एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो तैयारी को ज़बरदस्त तरीके से करते रहें। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे साइंस के, केमिस्ट्री के कुछ बेहतरीन क्वेश्चनों को। ठीक है, इससे पहले हमने एक दो क्वेश्चन की सीरीज हमने एक वीडियो अपलोड कर दिया है इसी का, जिसमें हमने स्टार्टिंग 23 क्वेश्चन वहाँ पे डिस्कस करें हैं, उसको भी जाइए देखिए जा करके, वहाँ से भी आप इस सीरीज़ को अटैच कर पाएंगे। ठीक है, और भी हमने पॉलिटी की वीडियो, हम डेली 3 वीडियो अपलोड करते हैं, एक सुबह हमारे 8 बजे वीडियो होता है, दूसरा 12 बजे वीडियो होता है, शाम को एक वीडियो 6 बजे के आसपास हमारा आता है, और जिसमें हम लोग पॉलिटी, हिंदी और साइंस के क्वेश्चन की डिटेल देखते हैं, और साथ में एक 1000 क्वेश्चनों का पैकेज लेके चल रहे हैं, जिसमें पॉलिटी के 1000 क्वेश्चन हैं और पॉलिटी के कॉन्सेप्ट भी मैं कवर कर चुका हूँ अपने ही चैनल पे, जहाँ आप देख रहे हैं। ठीक है, तो यदि कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम तो वहाँ से दीजिए देख लीजिएगा, और यदि प्रैक्टिस करनी हो तो आप 1000 की सीरीज़ देख लीजिएगा, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन मैंने छाड़ के वहाँ पे रखे हुए। ठीक है, ठीक है, इससे पहले वीडियो पे चैनल पर पहले बार तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आगे बहुत सारे ऐसे वीडियो आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो जैसे लिखा हुआ है कि निम्न से कौन सा तत्व है, तो सिलिका और कांच जो होता है वो तत्व नहीं, एक लिक्विड फॉर्म होता है। मैग्नीशियम क्या होता है, एक प्रकार का ठोस पदार्थ होता है जिसमें कुछ अशुद्धियाँ भी पाई जाती है, इसलिए मैग्नीशियम क्या होगा हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, ऐसा कौन सा पदार्थ है जिसको चाकू से काटा जा सकता है, रेलवे NTPC में और रेलवे ग्रुप डी में और ALP तीनों में क्वेश्चन पूछा गया, तो सोडियम ऐसा पदार्थ होता है जो चाकू से काटा जा सकता है। कौन सी वस्तु क्या होगा, द्रव नहीं है तो प्रकाश है। ये जो 3-4 क्वेश्चन है ये रिपीट हो गए हैं, और क्या बोलते हैं, ये मैंने पिछले वाले लेक्चर में कवर कर दिया, आप एक बार नज़र देख सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। प्रकृति में जल की अवस्था कैसी होती है, ठोस द्रव गैस गैस में होती है, ठोस अवस्था में अणुओं की गति ऊर्जा क्या होती है, द्रव से क्या होती है, द्रव के अणुओं से कम होती है, द्रव की अणुओं की गति क्या होती है, ज़्यादा होती है, अंतरणु बल किसमें अधिक होता है, तो भाई वो ठोस में होता है, द्रव गैस में नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ से बात करेंगे, जिस ताप पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है वो क्या कहलाता है, क्वथनांक। तो भाई क्वथनांक एक ऐसा टेम्परेचर होता है जिस पर किसी भी पदार्थ का जो वायुमंडलीय दाब है ना वो एक उसके क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है, मतलब उस पर पहुंचने के बाद वस्तु पिघलेगी नहीं। ठीक है, जब तक उससे ज़्यादा टेम्परेचर उसको नहीं दिया जाएगा वो हमारा क्वथनांक होता है। आगे चलते हैं, कॉपर का मुख्य अयस्क क्या होता है, वो होता है कॉपर पैराइट। आपने 10th में ये थ्योरी पढ़ी होगी कि कॉपर के अयस्क के बारे में आपने पढ़ा होगा, तो वहाँ पर देखा होगा कि कॉपर पैराइट क्या होता है, उसका मुख्य अयस्क होता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, कि बोला पृथ्वी में पाए जाने वाले तत्वों की किसकी प्रतिशतता भार के अनुसार अधिकतम है, तो भैया जो भार के अनुसार देखा जाएगा तो हमारा एल्युमिनियम ठीक है, एल्युमिनियम क्या है सबसे ज़्यादा हमारे पृथ्वी में पाया जाता है, उसके बाद हमारे पास क्या पाया जाता है, लोहा पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, किस पृथ्वी पर पाए जाने वाली धातु में किसकी प्रतिशतता, ये रिपीट होगा क्वेश्चन। आगे चलते हैं, अयस्क से अशुद्धियाँ दूर करने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सांद्रण। देखिए, जो अयस्क होता है मतलब जो अशुद्धियाँ होती हैं, जो मतलब कोई भी पदार्थ होता है वो जब खान से निकाला जाता है तो उसमें बहुत सारी अशुद्धियाँ होती हैं, तो उसमें बहुत सारी प्रक्रिया लगवा देती है, जैसे भंजन हो गया, प्रगलन हो गया, सांद्रण हो गया, शोधन हो गया, पर जो प्रकार पृथक्करण की जो अभिक्रिया है वो सांद्रण से दूर होती है। सांद्रण क्या होता है, एक लिक्विड में उन अशुद्धियों को डाला जाता है जिससे जो मेन अशुद्धियाँ होती हैं वो नीचे बढ़ जाती है, और जो एक्चुअली पदार्थ होता है वो तेल में उतरा करके ऊपर आ जाता है, उसी को हम लोग अपने पास रख लेते हैं, वही यूज़ का होता है, उसे सांद्रण कहते हैं। आगे चलते हैं कि झाग प्लान विधि से किस प्रकार के अयस्क का सांद्रण होता है, तो सल्फाइड जो होते हैं, कार्बोनेट क्लोराइड ऑक्साइड नहीं, सल्फाइड जो अयस्क होते हैं वो झाग विधि से क्या होते हैं, सांद्रण के माध्यम से निकाला जाता है, तो सल्फाइड को सांद्रण से निकाल सकते हैं। क्रायोलाइट का सूत्र क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्रायोलाइट बहुत बार पेपर पूछा जा चुका है, उसका फॉर्मूला होता है Na3AiF6। ठीक है, फॉर्मूला याद रखिएगा, थोड़ा डिफिकल्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, बॉक्साइट साधारण NaOH से क्रिया करके बनाता है, तो बनाता है Na2CO3। ठीक है, Na2CO3 जब NaOH से वो क्रिया करेगा तो क्या बनेगा, बॉक्साइड हमारा बनता है, बॉक्साइड नहीं, एल्युमिनियम ऑक्साइड बने, एल्युमिनियम डाइऑक्साइड बनेगा। ठीक है, Na2O3 बनता है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे कि सही कथन पर चयन करिए, तो सभी जो एक्स होते हैं वो खनिज होते हैं, ये तो हमने पढ़ा है, पर सभी खनिज जो होते हैं वो एक्स नहीं होते, ये आपने डिफिनेशन बहुत बार पढ़ी होगी कि सभी एक्स जो होंगे वो खनिज हो सकते हैं, ऐसा पॉसिबल है, पर जरूरी नहीं सभी खनिज जो हैं वो एक्स को, जैसे पेट्रोलियम हो गया, तो पेट्रोलियम क्या हो गया भाई, वो तो क्या वो एक तरह का खनिज हो सकता है, पर क्या उसको हम एक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, पॉसिबल ही नहीं है। क्या पेट्रोल जो जो पेट्रोल है, पेट्रोल को क्या दोबारा हम एक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, नहीं, पर एक्स को हम लोग खनिज में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। इस तरह से आपको थ्योरी को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, कृत्रिम गोल्ड क्या होती है, एल्यूमिनियम जो ब्रॉन्ज होता है वो कृत्रिम गोल्ड कहलाता है, उसमें सोना नहीं होता है, यह ऐसी परिभाषा मुझे भी लगता था, अरे गोल्ड है तो मतलब उसमें सोना होगा, नहीं, एल्युमिनियम ब्रॉन्ज जो होता है वो कृत्रिम गोल्ड का ही एक तरह का नाम होता है, रोल्ड गोल्ड आपने सुना होगा, बस उसी की अवधारणा पे होता काम करता है ये, ठीक है। नेक्स्ट पे बात करेंगे, ओके, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन यहाँ पे मिलेंगे। अब बोलेगा COOH का होल ट्वाइस और COCO3 कॉपर का एस का नाम बताइए, तो ये होता है हमारा मेलेकाइट। मेलेकाइट बहुत बार पेपर में पूछा जा चुका है, क्यूप्राइट भी पेपर में पूछा जा चुका है, ठीक है। तो मेलेकाइट और क्यूप्राइट दोनों ही आपको याद रखने, प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाने धातु जो होती है वो रजक, रजत मतलब वही रजत क्या होता है, वो एक चांदी होता है ना, तो रजत जो होता है वो प्रकृति में क्या होता है, खुली अवस्था में पाया जाता है। जो धातु ठोस अवस्था में नहीं पाई जाती वो हमारा क्या होता है, पारा होता है, वो ठोस अवस्था में नहीं है, आप जानते हैं लिक्विड अवस्था में होता है, और पारा ही एक ऐसा होता है जो रूम के टेम्परेचर पर भी क्या होता है, अपनी अवस्था नहीं बदलता है। धातु के ऑक्साइड प्रा होते हैं, कैसे, क्षारीय होते हैं, कैसे होते हैं, धातु का ऑक्साइड, ऑक्साइड आप समझ रहे हैं, ओ होता है उसमें, ठीक है, O2 होता तो ऑक्साइड मतलब ही वो क्षार दिखाएगा, ठीक है, ऑक्साइड मतलब वो क्षार दिखाएगा ही दिखाएगा। धातु का वह गुण जिसके कारण धात्विक चादरें बनाई जाती है, तो वो आघात वर्धक कहलाता है। प्रत्यास्था क्या होती है, जब किसी भी पदार्थ की जो लचक है, फ्लेक्सिबिलिटी, जितना ज़्यादा कोई पदार्थ है वो लचक है तो वो प्रत्यास्था कहलाती है। तन्यता मतलब कठोरता के से, और सुदृढ़ता भी क्या होता है, एक कठोरता से ही डिपेंड करती है, मगर आघात वर्धता जो होती है वो धातु चादर द्वारा उसी से बनाया जाता है, मतलब आघात करके उसको प्लेन में अवस्था में डाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, निम्नलिखित में से स्वतंत्र रूप से मतलब फ्री मूल से कौन सा पाया जाता है, तो वो हमारा होता है सोना और चांदी। सोना चांदी हमको फ्री मोशन पाया जाता है, मैंने पढ़ा नहीं लग रहा ये, पर सोना तो होता ही डेफिनेटली, सोना सोना आप देखेंगे कि मतलब यदि सोना वाली जैसे नदी का जो गलियारा होता है, यदि बहुत पुरानी नदी है तो आप देखेंगे कि वहाँ के किनारे पर भी सोने के कुछ तत्व मिल सकते हैं, और सोना एक्चुअली क्या होता है, रेत से निकाला जाता है, ठीक है, बहुत बड़ी बहुत टफ प्रक्रिया होती है, पर यह मुक्त अवस्था में पाया जाता है, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा तत्व धातु नहीं है, तो एंटीमनी जो है धातु नहीं है, मैंने ऊपर पहले बताया सोना जो तांबा लोहा ये क्या है, धातु है, पर एंटीमनी धातु नहीं होती, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक परिभाषा के अनुसार धातु वे तत्व हैं जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ये ग्रहण ही करते हैं, त्यागते नहीं है, ठीक है, इनके अंदर त्यागने की क्षमता नहीं होती। अब जाहिर सी बात है भाई, अधातु क्या होंगे भाई, जो इलेक्ट्रॉन को क्या करें, ग्रहण कर लें। अब पीरियोडिक टेबल में आपने देखा होगा धातु और अधातु के बीच में, सॉरी, धातु और उपधातु के बीच में क्या होता है, अधातु छपा छिपा होता है कि नहीं, सॉरी, इस साइड में आप देखेंगे धातु होता है, इस साइड में अधातु होते हैं, बीच में क्या होते हैं, उपधातु होते हैं, तो आपने ये चीज़ें पीरियोडिक टेबल में पढ़ा होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर लेते हैं, कौन सी धातु अपने ही ऑक्साइड की परत से संरक्षित होती है, तो वो एल्युमिनियम होती है, अपनी ही परत, देखिए जैसे लोहे के ऊपर होता है जिंक जम जाता है, ठीक है, तो एल्युमिनियम के ऊपर कोई भी परत नहीं जमती, इसलिए एल्युमिनियम सबसे अच्छा क्या होता है, मतलब विद्युत का चालक भी कहा जा सकता है, देखा होगा मतलब एल्युमिनियम में मतलब जल्द जल्द जंग वंग कुछ होता ही नहीं, ऐसा कुछ, चाहे आप पानी में डालें कुछ भी करो, वो उसके ऊपर कोई भी परत नहीं जमती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं कि एंटीमनी क्या होती है, एंटीमनी एक तरह की क्या है, उपधातु है। मिश्रण क्या होता है भाई, मिश्रण पीतल, पीतल क्या होता है, मिश्रण होता है, जिंक प्लस किसका है मिश्रण, ये बताइएगा जरा, पीतल का मिश्रण किसका है, जिंक और कॉपर, जिंक और कॉपर को मिला करके क्या हम लोग बनाते हैं, पीतल का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे कि वह प्रकृति के पदार्थ जिसे धातु
निष्कासित करना आर्थिक दृष्टि से अधिक लाभदायक है। तो ऐश जो होता है वो बहुत ही सिंपल अवस्था में, मैंने पांच अवस्था बताई थी, प्रगलन हो गया, सांद्रण हो गया, पृथक्करण हो गया, चुंबकीय पृथक्करण विधि से इसका ऐश का सांद्रण किया जा सकता है, बहुत ही सिंपल। और हमारे भारत देश में सबसे ज़्यादा यही फॉलो किया जाता है पहली अवस्था में भी, और अब तो मान ली आधुनिक तकनीक है तो हम लोग थोड़ा और अच्छे से किफ़ायती तौर पर कर लेते हैं, मगर सबसे सरल जो तरीका है वो यही है। ठीक है, एल्युमिनियम व आयरन अपनी प्रकृति अवस्था में नहीं पाए जाते हैं, क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्रियाशील होते हैं, तो ये एक नॉर्मल अवस्था में नहीं पाए जाते हैं। यदि नॉर्मल अवस्था पाए जाएंगे तो ये क्या करेंगे, बहुत जल्दी क्रिया कर, जैसे आयरन होता है तो आयरन की जो क्रिया करने की क्षमता वो बहुत तेज़ी से हो, जैसे आपने देखा होगा कि मतलब जब अर्थ चाहिए होता है तो आप आयरन की रॉड को ज़मीन में गाड़ दीजिए, उसमें थोड़ा सा नमक डाल दिए, पानी डाल दिए, तो क्या वो अर्थ को जनरेट करना यानी निगेटिव पावर जनरेट करना शुरू कर देता है, इसलिए वो बहुत तेज़ी से क्या करता है, क्रिया करता है। इसी प्रकार एल्युमिनियम भी होता है, बहुत तेज़ी से वो क्रिया करना शुरू कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, एलुमिनियम तापी विधि में एल्युमिनियम कार्य करता है अपचायक की तरह। अपचायक क्या होता है, जो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को त्यागने की क्षमता रखता है, वो क्या होता है अपचायक। अक्षयकरण की तरह नहीं, गालक की तरह नहीं, धातुमल तो एक अलग अभिक्रिया होती है, गालक एक अभी अधक यानी अलग क्या होती है अभिक्रिया होती है, पर अपचायक जो होती है अपचायक में इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं। ठीक है, ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग इतनी चीज़ें रखी हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हो गए हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको कुछ साइंस के जो केमिस्ट्री के क्वेश्चन हैं उनसे उनसे आपको हेल्प मिली होगी और आप थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। मैंने बहुत ट्राई किया कि मतलब कुछ और भी डीप बताया जाए, इसलिए मतलब यदि कोई मान ली गलती हो गई या फिर कोई मतलब मैंने गलत कॉन्सेप्ट बता दिया तो उसको भी आप एज ए एडवाइस आप नीचे लिख सकते हैं कि नहीं सर आपने यहाँ पर मिस्टेक कर दी, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ, हो सकती है। ठीक है, बाकी मैं अपना 100% कर रहा हूँ कि आपको पूरा आंसर के साथ कॉन्सेप्ट को भी बताता चलो। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग इतनी बातें करेंगे, थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आए तो शेयर कर दीजिएगा।